गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक प्रश्न जो हमेशा ही हमारे मन में जिज्ञासा का कारण रहता है वो ये कि लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे धर्म में और अन्य धर्मों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जो अन्य धर्म के लोग हैं या अन्य धर्म के जो भगवान हैं या अन्य धर्म के जो देवी देवता हैं वो सब वस्त्र धारण करते हैं, श्रृंगार करते हैं, सवारी करते हैं, उनके पास अस्त्र शस्त्र होते हैं, लेकिन हमारे जैन धर्म में हमारे भगवानों के पास, हमारे गुरुओं के पास ना वस्त्र होता है, ना श्रृंगार होते हैं, ना अन्य कोई और साधन होते हैं। तो गुरुदेव, ऐसा क्यों? क्या वस्त्र के बिना जैन धर्म मान्य नहीं है, या जैन धर्म में ये सब होना जरूरी है? मनोरमा मैम ग्वालियर ने एक प्रश्न पूछा कि हे गुरुवर, हम सभी लोग 1% जैन समाज के लोग हैं और पूरे भारत में 1,40,00,000,000 लोगों की जनसंख्या है, जिसमें से हमारे जो भगवान हैं या हमारा जो धर्म है वह वीतरागता को मानने वाला है, और जहाँ पर हमारे भगवान हैं वह बिना कपड़े के नग्न, बिना कोई त्रिशूल तलवार किसी प्रकार के हथियार अस्त्र शस्त्र उनके पास नहीं होते, ना ही उनके पास कोई स्त्री उनके नज़दीक होती है, ना उनके पास होती है, और ना ही वो किसी प्रकार की सवारी करते हैं, और हम उनके उपासक हैं। और वहीं पर अपन देखें दूसरी ओर, वहाँ अपन देखें तो स्त्री भी है, वहाँ अपन देखें सवारी भी है, अस्त्र शस्त्र भी हैं, कपड़े भी हैं, श्रृंगार भी है, बिल्कुल विपरीत हैं। तो बोले कि अच्छा, और 99% लोग उनके उपासक हैं और जैन लोग सिर्फ 1% हैं। अब वो 99% जो करेंगे लोग तो उन्हीं को सही कहेंगे, और हम लोग 1% हैं जो वीतरागता के उपासक हैं। तो अपन ये देखें कि इतने लोग जब करते हैं तो वो उसको सही मानते हैं तो वो हमें को गलत बोलते हैं, और हम जिसको मानते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये सही कर रहे हैं हम, वो गलत नहीं कह सकते हम किसी को, पर वो ना हमारे हिसाब से सही नहीं है। तो अब जब वो 99% लोग, क्योंकि कभी कोई मित्र हैं हमारे, कोई उठने बैठने वाले हैं, कोई रिलेशन में हैं, तो अब वो पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों, तो उन्हें हम क्या जवाब दें? तो अपन ये देखें कि हमारे दर्शन में ये कहा गया कि जो भी हम धर्म करते हैं, साधना करते हैं, वो अपने स्वयं के स्वभाव को प्राप्त करने के लिए करते हैं, और हम भगवान की आराधना भगवान बनने के लिए करते हैं, कि हमारा लक्ष्य है कि हम भी भगवान बने। क्योंकि अपन देखें प्रवचन सार में आचार्य कुंदकुन स्वामी महाराज ने कहा है, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नत्व ही मोक्ष मार्ग है, और नग्नत्व ही जो मोक्ष मार्ग है यानी नग्न होना। अब नग्न होना ही क्यों भाई, नग्न ही क्यों कह दिया? नग्न का मतलब खाली कपड़े से नहीं, नग्न का मतलब है नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार, इनसे भी नग्न हो जाओ, नेगेटिव विचार, नेगेटिव सोच, नेगेटिव भावनाएं, नेगेटिव भाव, इन सबसे भी नग्न हो जाओ। अब रही बात कपड़े की, तो बोले कपड़ा है तो कमाने का लफड़ा है, कपड़ा है तो सुखाने का लफड़ा है, कपड़ा है तो फटने का लफड़ा है, कपड़ा है तो उन्हें सुरक्षित रखने का लफड़ा है। तो बोले कि एक कपड़ा होने से बहुत सारे परिग्रह इकट्ठे हो जाते हैं, सूटकेस आ जाएगा, चाबी रखो संभाल के, सूटकेस को संभाल के रखो, कपड़े हैं तो साबुन रखो, लस्सी रखो सुखाने के लिए, है ना, फिर उनके लिए फट जाए तो
फट जाए तो नए खरीदने के लिए पैसे रखो, अब पैसे पैसे कहाँ से लाओगे, तो पैसे लाने के लिए धंधे पानी करो, खेती किसानी करो, है ना, या फिर किसी से मांगो, चंदा चट्टा इकट्ठा करो, यानी कितने विकल्प हो गए कपड़े के लिए, है ना। तो बोले कि अब जहाँ इतने सारे विकल्प होंगे तो संकल्प विकल्प वाला व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता, इसीलिए संकल्प विकल्पों से रहित करने करके हम अपने भगवान बनने के लिए हम भगवान की आराधना करते हैं, ना कि हम उनको खुश करने के लिए। हमें इससे मतलब नहीं होता है कि हमें भगवान खुश हो जाएं, हमें इससे मतलब होता है कि भगवान खुश हो या ना हो हमें खुश हो जाएं। तो इसलिए जितनी भी हम आराधना करते हैं, है ना, चाहे हम पूजा करें, चाहे हम उनके उपास करें, चाहे हम त्याग करें, चाहे हम तपस्या करें, चाहे हम वंदना करने जाएं, है ना, और हम लोगों की जो आराधना होती है वो श्रृंगार आदि से नहीं होती, हमारी आराधना होती है स्वयं के त्याग करने से। हम लोग अपने शरीर को तपाते हैं, है ना, उपवास करेंगे तो पूरे 24 घंटे पानी की बूंद भी नहीं पियेंगे, एकासन करेंगे तो मात्र एक टाइम ही भोजन करेंगे, उसमें भी आलू नहीं, प्याज नहीं, ना लहसुन नहीं, है ना, कोई भी जमीन कंद नहीं, है ना, और रात को नहीं, है ना, ऐसे खाना। तो ये साधना जो है अपनी आत्मा की आराधना करने के लिए होता है। जैन धर्म कहता है कि हमारी पूजा मत करो, हमारे हम तो माध्यम हैं, एक कोचर हैं, है ना, एक कोचिंग है हमारी, मंदिर कोचिंग है हमारी, और हम उस कोचिंग के कोचर हैं, है ना, आपको शिक्षा देने वाले, और शिक्षा यही देंगे, कोई फीस नहीं है, है ना, आप तो सिर्फ आओ और आप हम जैसे जैसा हमने किया है आप भी वैसे ही करो, छोड़ो, है ना, छोड़ते जाओ, धीरे धीरे छोड़ते जाओ, छोड़ने की आदत डालो अपने अंदर, और एक दिन इतना छोड़ते 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 घर छूट, है ना, घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, रिश्तेदार छूट जाएंगे, पति पत्नी है तो पत्नी अगर चाहती है तो पति छूट जाएगा, पति चाहता तो पत्नी छूट जाएगी, बच्चे छूट जाएंगे, है ना, शहर छूट जाएगा, सोना चांदी हीरा मोती गाड़ी बंगला सब छूट जाएंगे, और पता चला एक दिन जब सब छोड़ गए तो कपड़े भी छूट जाएंगे, कपड़े भी छूट गए तो पता चले अब जो सर के बाल हैं ये भी छोड़ो, है ना, चप्पल जूते भी छोड़ो, है ना, अब लास्ट में कोई बचे नहीं छोड़ने के लिए, अब क्या बचा, शरीर। तो बोले जब तक अब शरीर को वो हमारे हाथ में है नहीं, वो शरीर हमारे हाथ में है नहीं छोड़ना, तो इसलिए जब तक शरीर नहीं छूटा है तो शरीर को चलाने के लिए भोजन देंगे, तो भोजन के बदले में क्या चाहिए हमें, तो हम कहते हैं शरीर से टिट फॉर टैट, हम आपको भोजन देंगे, आप हमें साधना करने की शक्ति दो, क्योंकि हम खड़े होकर जाप करें, हम ना अपने शरीर से पैरों से चल के जाएं, वंदना करें, चल के जाएं, दर्शन करें, है ना, त्याग करें, तपस्या करें, सिर्फ इतना खाएंगे जितना शरीर चलता रहे। तो इसलिए अपन देखें कुल मिलाकर के जैन धर्म कहता है अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है तो हमें, है ना, त्याग धर्म को स्वीकार करना है, और त्याग धर्म को स्वीकार करना है तो त्यागी के ही सानिध्य में बैठ के कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे भले ही 1% जैन हों पर अपन देखें 99% लोग भी इस 1% जैन धर्म को स्वीकार करते हैं, किसी ना किसी रूप में स्वीकार तो करते हैं, क्योंकि उन्हें वो भी मानते हैं कि निडग्गो ही मोक्ष मग्गो, कोई परिघर ही नहीं है, है ना, कुछ नहीं, यहाँ पर सब कुछ छोड़ दिया इन्होंने, है ना, इनकी त्याग तपस्या बहुत अच्छी अलग है ना, कोई राग नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, सब कुछ छूट गया। तो इसलिए अब बचा शरीर, तो शरीर से हम ऐसी तैयारी करते हैं जिससे हम मृत्यु के बेला में, है ना, निर्विकल्प और बिना किसी भाव को बिगाड़े हुए समता परिणामों के साथ हम अपने शरीर का भी त्याग कर देते हैं, इससे हमारी समाधि कहलाती है। इसलिए महानुभाव ध्यान रखें कि हम सब लोग वो कर रहे हैं, करने दो, क्योंकि उनको मालूम नहीं है ना, और हमें वो देवी देवताओं के साथ रहेंगे तो देवी देवताओं के गुण आएंगे, हम भगवान के साथ रहेंगे तो हमें भगवान के गुण आएंगे, और हम क्योंकि हमारा लक्ष्य देवी देवता बनना नहीं है, हमारा लक्ष्य तो भगवान बनने का है, इसलिए हम भगवान बनने के लिए सारी क्रियाएँ कर रहे हैं।